जबान संभाल के, जबान संभाल के, जबान संभाल के, जबान संभाल के, जो चाहे कहो पर जरा देखभाल के, जबान संभाल के, जबान संभाल के। मैं गवर्नमेंट का अफसर हाँ, हिंदी भाषा सीखता हाँ। हिंदी मेरी कच्ची पर एक्टिंग मेरी अच्छी। हम हांगकांग से आया बड़ी, इतना डॉलर लाया। टिकरा धीरे से कहो, टैक्स वालों से बचो। कोई सिंधी कोई पारसी, कोई रूसी तो कोई अरबी, कोई ब्रिटिश राज का राइटर तो कहीं मद्रासी अभिनेत्री। एक एयर होस्टेस एक कॉन्ट्रैक्टर मिलके बोले का खा गा, सबके मन में है अभिलाषा, मिलके सीखे हिंदी भाषा। But man, don't make tamasha. लुबा 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 लुबो, मेरे साथ प्यार में डुबो। आएगा 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 आने वाला आएगा, वो आ गया। मैडम आपका फ्यूज उड़ गया क्या? चतुर्वेदी तुम अंदर क्यों आए? आप ही ने तो कहा था कमीन। कमीने मैंने तुमसे नहीं कहा था। तो क्या आप दीवारों से बातें कर रही थी? बाहर तो नहीं खड़ा था। अरे उल्लू मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। किसका? तुमसे मतलब? वकीलों की तरह बहस मत करो, जाओ चाय बनाओ। ओफो, अब तुम्हें क्या चाहिए अर्चना? कुछ भी तो नहीं। तो फिर इतनी जल्दी क्यों आई? जी आपने तो कहा था कि कल जरा जल्दी आ जाना। मैंने? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, जाकर पुस्तकालय की सफाई करवाना। किसकी? लाइब्रेरी की। और चतुर्वेदी तुम हाँ। बाहर बैठना, देखना मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं किसी से मिलना नहीं चाहती। जी। कौन का घंटा जल्दी बुला लिया? अंदर घुसते ही काटने को दौड़ती। छी, इससे पहले कि मुझे सींग मारे मैं यहाँ से लाइब्रेरी में जा रही हूँ। तुम तो छूट गए, हमें तो यहीं लाते खानी है। कहाँ जा रहे हो रूसी भाई? मिस्टर दीक्षित को मिलना है। क्या काम है? पर्सनल वर्क है। घर जाके मिलो। नहीं नहीं, हम प्राइवेट ट्यूशन के लिए आया है। क्लास के बाद में मिलो। देखो तुम बोलो, अनाथली आया है? बाहर गई हो। कब आएगी? मैं उनका चपरासी हूँ, वो मेरी नहीं है जो बताती कब आऊंगी। कौन बेवकूफ है? मैं। अरे चतुर्वेदी क्यों बकबक किए जा रहे हो, इन्हें अंदर क्यों नहीं आने दिया? वो आप ही ने तो कहा था किसी को छोड़ना नहीं। जाओ अर्चना का हाथ बटाओ। आप अंदर आइए ना, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। दादा पसीबा। का, का। आप अंदर आइए ना, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। दादा देता हूँ एक मिजाज। देखिए आपके लिए सारा इंतजाम किया है, ये सब क्या है? ये फूल। फूल नहीं, फूल। थैंक यू। और ये रशियन परफ्यूम। और ये रशियन वोडका, गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा में नारियल पानी पिया जाता है, वोडका नहीं। दादा हम रशियन इसको गुलाब गुलाब पीता है। क्या? सॉरी सॉरी, आई मीन हम रशियन इसको रोज रोज पीता है। रोज रोज पीता है नहीं, मैं रोज पीता हूँ। क्या आप रोज पीता हूँ? नहीं बाबा, मैं तुम्हारी हिंदी ठीक कर रही थी। कड़वा तेल लगता है। क्या
कौड़ा? नहीं नहीं, मैंने कहा अच्छा है। कौड़ा मीन्स अच्छा। आओ बैठो, कुछ खा पी लो। पसीफा हे, आप बहुत कौड़ा है। आप खाओ, मैं पिएगा। रूसी लोग हर रोज ये पानी की तरह पीता हूँ। हूँ नहीं, खैर जाने दो। नो, लुबा 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 लुबो, मेरे साथ प्यार में डुबो। वाह, रूस की पेस्ना सॉन्ग, वेरी गुड, साबाश। Спасибо большое, Анатолий Молотов. Вау, байдахо, байдахо. Байдахо? Congratulations. ओ, बधाई हो, बधाई हो। बैदा तो बॉम्बे में अंडे को कहते हैं, एग। अंडा? मेरा जीवन एक बुढ़िया से दूसरी बुढ़िया तक। अरे ऐसी खौफनाक खांसी, अस्पताल में लगता है इनका पैर तो ठीक हो गया था लेकिन दिमाग अभी भी कुछ खराब है। चेस। नज़दरोविया। नज़दरोविया। कौन हो सकता है? अगर ये अर्चना या चतुर्वेदी में से कोई होगा तो उनकी टांगे तोड़ दूंगी। सॉरी, तुम एक काम करो, टॉयलेट में चले जाओ। हमको ये नहीं लगा है। नहीं नहीं, तुम चुप जाओ। कम इन। नमस्ते मिस्टर। रोज तो देर से आते हो, आज क्या हुआ? मैडम, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जिसमें घुसना तो आसान है लेकिन निकलना बहुत मुश्किल? जेल में। जी हाँ, पिछली बार आपने मजबूरी के तहत जो मुझे तरक्की दी थी उसका एक चेक दिया था ना, वो बाउंस हो गया क्या? मुझे जेल होगी? आमीन। क्या? आई मीन, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया मैडम। शुक्र है। मैडम, मुझे हर हाल में आज शाम तक अपना किराया देना है। आपको मालूम है उस बुढ़िया मिसेस दीक्षित ने क्या कहा? क्या? मतलब मिसेस पिंटो ने मुझसे कहा, कड़का हुआ और वार्निंग दी कि अगर आज शाम तक मैंने उसको किराया नहीं दिया तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देगी या जेल करवा देगी। इसलिए आप प्लीज किसी भी हालत में 500 रुपए एडवांस तो मुझे दिलवाई दीजिए, वरना। वरना क्या? वरना मैं भूख हड़ताल कर दूंगा। कहां? वहां। ये मिसेस पिंटो ने तो मेरा खाऊं पीना बंद कर दिया। अब देखिए, 2-3 दिन के अंदर तो मैं अस्पताल पहुंच जाऊंगा ना, तो तब तो सारा खाना पीना जो है वो नलियों के जरिए अंदर जाएगा। ये आपने बहुत अच्छा किया जो खाने पीने के लिए मंगवा लिया। अरे वाह, वोडका। नहीं नहीं, ये मेरा उबला पानी है। तो ये ले लेता हूँ। नहीं, ये मेरा झूठा है, ये ले लो। थैंक यू। थैंक यू मैडम। ज्यादा नहीं, बस जरा सा चाहिए ताकि क्लास में खड़ा रहने की ताकत बनी रहे। शर्मा जी इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं ना? अरे मैं तो भूल ही गई थी, तुम फॉरेन क्लास में जाकर स्टूडेंट से कुछ आसान सवाल जवाब तैयार करवा लो। मैं पूरी कोशिश करूंगा लेकिन मेरा एडवांस? मैं भी कोशिश करूंगी, पहले शर्मा जी को खुश हो जाने दो। जाओ जल्दी जाओ। मैडम मैं जरा एक सेकंड रुक गया। खबरदार वहां है। क्यों, वहां कोई भूत प्रेत है? वो मेरा पर्सनल है, तुम अपने टॉयलेट में जाओ। मैडम मैं भी तो अपने पर्सनल काम के लिए जा रहा हूं। शट अप एंड गेट आउट। गेट आउट? ओ, मेरे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। जाओ ना, जाओ ना, जाओ 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 ना। लेकिन मैं जाओ 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 ना। नाना नाना करते प्यार तुम मुझे कर बैठे। क्या गाना? गाना जाओ भी जा। कमाल है मैडम, आप टॉयलेट को देख के गाना गा रही हैं। ओ लगता हमारा फर्स्ट डे ट्यूशन में और आधा घंटा टॉयलेट में। अरे मैं तो भूल ही गई थी, शर्मा जी आ रहे हैं, तुम जल्दी खा पी के जाओ। क्या हुआ?
Father, water, water, water. Water, 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 water. Ah, water, water. Luba, 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 lubo. मेरे साथ प्यार में डूबो, चुप कैसे रहूं चुप। आपने मिस्टेक में हमारा वोडका शराब पिया। मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ। अब मेरी समझ में आया, ये सारी दावत तो उस रूसी के लिए थी, तभी तो मैडम की मेज के ऊपर वो वोडका की बोतल थी। मैडम को भी आज ही पीना था, शर्मा जी को कौन संभालेगा? सुनिए मिस्टर जी, हाँ जी। शर्मा जी आ गई जी। आ गई जी? हम तो मर गए जी। शुक्र है मैंने अपनी क्लास को तैयार कर रखा, लेकिन मुझे डर है कि मैडम कहीं कबाड़ा ना कर दे। तुम जाओ जाके शर्मा जी को संभालो और मैं अंदर संभालता हूँ। जब फ्री हो जाएंगे तो हम एक दूसरे को संभालेंगे जी। जाइए जी। हाँ जी। हाँ, रंगी मौसम भी कुछ भी थोड़ा नहीं तो थोड़ा वोडका पिला। मिस दीक्षित, होश में आइए, शर्मा जी आ गए। शर्मा जी कौन? शर्मा जी, मैडम आप जाके मुंह धो लीजिए, शर्मा जी आ गए। मैं तुमको एक महीने की तनख्वाह दूंगी, तुम शर्मा जी को संभाल संभाल। ठीक है मैडम, मैं शर्मा जी को संभालूंगा। चलिए आप टेबल के नीचे चलिए, मैं सब होटल लाता। आइए पधारिए शर्मा जी, आइए। कहाँ हैं मिस दीक्षित जी? नशे में जी, मेरा मतलब है। आइए बैठिए, बैठिए बैठिए। वो जरा उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बाथरूम गई है जरा। अब तरह तरह की बीमारियां होती है लोगों को, कुछ लोगों को खुजली करने की बीमारी होती है, बदहजमी हो गई है उन्हें और कुछ चक्कर भी आ रहे हैं, बस अभी आती होंगी समझ। स्टूडेंट्स तो टेस्ट के लिए तैयार है ना, या उन्हें भी चक्कर आ रहे हैं? नहीं शर्मा जी, स्टूडेंट्स तो कब से तैयार होकर चक्कर लगा रहे हैं। नहीं सॉरी सॉरी, वो दरअसल मेरी टांग लग गई आपको। टांग जी? माफ कीजिएगा। देखिए आ गई मिस दीक्षित। मच्छर। माफ कीजिए शर्मा जी, मुझे जरा चक्कर आ गया। हाँ वो बदहजमी भी है आपको, मालूम है मुझे, ये सब पानी की वजह से है। आजकल का पानी बहुत खराब आ रहा है ना, इसीलिए मैं पहले पानी को उबालता हूँ, छानता हूँ, फिल्टर में डालता हूँ और फिर उसी से नहा लेता हूँ। और जहां तक पीने का सवाल है, मैं केवल बियर पीता हूं। वाह वाह क्या, चलिए टेस्ट शुरू किया जाए। अगर कहीं स्टूडेंट्स की तैयारी ठीक नहीं हुई ना, तो याद रखिएगा मैं वो ग्रांट आपसे वापस ले लूंगा जो पिछले माह आपको दी गई थी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए सर, स्टूडेंट्स की तरक्की देखकर तो आप फूले नहीं समाएंगे। लेकिन थोड़ा नाश्ता उस टेबल के ऊपर रखा हुआ, उसे तो नोश फरमा लीजिए, मैडम ने खास तौर पे आपके लिए नाश्ता तैयार करवाया। आइए चलिए। लेकिन नीचे मत देखिए, आप नीचे मत देखिए, सीधे आ जाइए। आइए प्लीज। वेरी गुड वेरी गुड, सही लीजिए ना आप पहले। हाँ अच्छा, चले दिल्ली मेरा मतलब है क्लास में। हाँ चलिए सर, चलो। लेकिन वो एक चलो चलिए सब लोग तैयार है, मैंने शर्मा जी के लिए बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट टाइप कर दी है। ओके ओके, देखो इस रिपोर्ट पर शर्मा जी के ऑटोग्राफ लेना हमारा काम है। नमस्ते श्रीमान जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते, मैं जेनिफर जोन्स हूँ, मैं एक हवाई अतिथि सत्कार का हूँ। मैं भारत के विमान के यात्रियों का स्वागत करती हूँ। आज कक्षा की ओर से मैं आपका सत्कार करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद।
अभी ये कुछ सवाल वाल सवाल पूछते पूछते आपका गला ना सूख जाए कहीं। थोड़ा सा पानी तो पी लीजिए। सवालों के जवाब के लिए तो सब तैयार ही हैं सर, बस जरा आपका स्वागत तो ठीक से हो जाए ना। ठीक है। ये मिस्टर के की दस्तूर सर, ये बहुत ही मशहूर संगीतकार और गीतकार है। अच्छा, ये बताइए आपकी क्लासिकल संगीत किसे कहते हैं? जो क्लास में सिखाते हैं उसे क्लासिकल संगीत कहते हैं। मतलब जो ये अपने शिष्यों को अपनी क्लास में सिखाते हैं उसे क्लासिकल संगीत। इन्होंने आपके लिए एक बहुत अच्छा स्वागत गीत तैयार किया है, अगर आप आज्ञा दे तो ये। मिस्टर केक सर, 1, 2, 1, 2, 3, 4। स्कूल के पीछे क्या है? स्कूल के पीछे टट्टी के पीछे कौन है? टट्टी के पीछे स्कूल के पीछे शर्मा, टट्टी के पीछे शर्मा। क्या नाम आगे है सारी क्लास को? क्लास को चरण मजा आ गया। क्या नाम है तुम्हारा? नान विजय धुरई, फिल्म इंडस्ट्री नेम विजय दक्षिण पूर्व। अच्छा, तो आप वही वेस्ट ईस्ट हैं जिनके बारे में फिल्म मैगजीन वाले लिखते रहते हैं। और एक मैगजीन ने तो यहाँ तक लिखा है कि आपने किसी तमिल फिल्म में एक ऐसा सीन किया है जिसमें कुछ पहले नहीं। क्या ये सच है? इल्ला सर, ये सब झूठ है जी। आपको तो मालूम ये फिल्म मैगजीन वाले सेल बढ़ाने के वास्ते कुछ भी लिखता, वो अलग काम कुछ नहीं पहना करके। झूठ जी, हम अपना ये इम्पोर्टेड गागल पहनना। शेख साहब, शेख रसलन अल सला नमस्ते। सला रसलन अल सला। जो भी हो, आप तो शायद रेगिस्तान के मेवा खजूर एक्सीलेंट डेट खजूर एक्सीलेंट, ये आपके लिए, ये आपकी श्रीमती जी के लिए और ये आपके नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। शुक्रिया शुक्रिया, मगर मैं ये पूछ रहा था आपसे कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? मिस्टर असलान, कोई ऊंट पटांग जवाब मत दीजिएगा। ऊंट? बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया शुक्रिया। हरिओम। माननीय शर्मा जी, ये आपके लिए हांगकांग का बढ़िया सेट। अच्छा, तो ये सेंट है? मैं तो समझा था कि तुम डीडीटी छिड़क रहे हो। नहीं, सेंट है, बढ़िया सेंट है आपके लिए, विशेष भेंट सेंट। भाई आप तो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। अच्छा ये बताइए, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम, जो नाम को सर्व करता हो वो सर्वनाम। मतलब जो नाम की सर्विस करता हो वो सर्वनाम यानी प्रोनाउंसर। भाई आप बीच में मत बोलिए। जी सर। कोई दो सर्वनाम बताइए। कौन, मैं? बिल्कुल ठीक, कौन और मैं दोनों ही सर्वनाम है। शाबाश, बैठिए। और आप? जी ये मोजाम्बिक के रहने वाले हैं, बड़े मशहूर क्रिकेट प्लेयर हैं, इनका नाम है मिस्टर मोआंगो असर। ओह थैंक यू मिस्टर मोआंगो, थैंक यू। भाई इसे कहते हैं आम और आम गुठली के दाम। बाय द वे मिस्टर मोआंगो, आपकी हिंदी कहाँ तक पहुंची? बाउंड्री लाइन तक। बाउंड्री लाइन, वेरी एक्सीलेंट। शाबाश। अब जी आप मिस्टर चार्ल्स स्पेंसर, मिस्टर चार्ल्स स्पेंसर फ्रॉम मिडिल सेक्स सर। मिडिल यानी बीच का जी, सेक्स माने लिंग, यानी कि नपुंसक लिंग। नहीं नहीं शर्मा जी, मैं फुरलिंग और आप पुलिंग मेरी चाल। ये बहुत बड़े राइटर हैं सर। मैं भारतीय सभ्यता पर एक पुस्तक लिख रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या आप बता सकते? नहीं सर, ये बता नहीं सकते क्योंकि इनका पूरा प्रोजेक्ट बहुत सीक्रेट है। भाई मैं किताब के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। मिस्टर चार्ल्स स्पेंसर, हमारे शर्मा जी भारतीय संस्कृति के बहुत बड़े विद्वान हैं। आप चाहें तो कोई भी सवाल इनसे पूछ सकते हैं। He's an authority. जी, ये मेरे प्रश्नों की सूची है। आप जरा बता दें, मैं अपना पुस्तक आपको समर्पित कर दूंगा। शर्मा जी,
जरा सोचिए, किताब के पहले पन्ने पे लिखा होगा डेडिकेटेड टू लेट मिस्टर शर्मा। मतलब क्योंकि किताब लिखने में बहुत टाइम लगता है ना सर। तो मिस्टर चार्ल्स, ये मैं लिए जा रहा हूँ आपके प्रश्न उसके उत्तर में आपको भिजवा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए पानी सर। ओ गंगा जल है क्या? नहीं सर, वोल्गा जल है। वोल्गा जल। और आप भाई, आपका नाम क्या है? मैं पोटे। पोटे तो आपका घर का नाम होगा। स्कूल का नाम क्या है? नील स्कूल। ये सर, इनका असली नाम विठल बाबूराव पोटे है। ये बहुत ही अच्छे कलाकार हैं सर। अच्छा कलाकार जी, आप ये बताइए कि रामायण की रचना किसने की? रामानंद सागर। रामानंद सागर कौन है? सर वही जिसने सागर के ऊपर पुल बनाया था, लंका जाकर सीता जी को रावण से छुड़ा कर लाया था। तुलसीदास जी की रामायण में भी उसका जिक्र आता ना। अच्छा, राम आनंद सागर, रामचंद्र वो सागर में गागर गागर, बहुत अच्छा नाम है। अच्छा ये बताइए मिस्टर पोटे कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? अरे शिवजी तो तलवार से लड़ता था ना। नहीं शिवजी, शिवजी शिवाजी नहीं, शिवजी का धनुष किसने तोड़ा? ये मैंने नहीं तोड़ा बाबा। हाँ क्या क्या? सर ये आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है। अगर ये कह रहा है कि इसने नहीं तोड़ा तो इसने वाकई नहीं तोड़ा होगा सर। दीक्षित सुन रहे हैं आप? जाने दीजिए सर, गलती से टूट गया होगा, नया बना देंगे। आदरणीय महोदय, ये पगड़ी आपको सप्रेम है। तुम्हारा जनरल नॉलेज थोड़ा वीक है मगर हिंदी ठीक है। भाई बड़ी गर्मी पड़ रही है, कोई पंखा वंखा नहीं है यहाँ पर? तो सर हम सब आपके पंखे हैं। मेरा मतलब है कि फैन, हम सब आपकी कविताओं के फैन हैं। सर क्या लिखते हैं आप, क्या दम है आपकी लेखनी में। वो कहते हैं ना कि कलम जो है तलवार से ज्यादा लंबी होती है। हाँ जी, तलवार से आप चेक साइन नहीं कर सकते ना। और ना ही रिपोर्ट साइन करवा सकते हैं। शर्मा जी आप प्लीज अपनी कोई कविता हमको सुना दीजिए। कविता है सुना दीजिए। सब बच्चे हैं सारे अपने। दिल की दुकान लुट गई। दिल की दुकान लुट गई उल्फत की मार से। वाह, जो कल नकद थे आज वही है उधार से। वाह, धोया किए गधे की तरह जिंदगी का बोझ। शर्मा जी दिख रहे हैं मगर घुड़सवार से। वाह वाह वाह, क्या बात है सर। इसमें एक शायर की तरफ से ये एक कवि को भी। जल्दी से रिपोर्ट पे ऑटोग्राफ करवा लो। आप चाय पियेंगे सर? नो चाय। कॉफी? नो कॉफी। सर विस्की विद सोडा? नो सोडा। जबान संभाल के जो चाहे कहो पर सारा देखभाल के। जबान संभाल के 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 जबान संभाल के।